नमस्कार, मेरा नाम विकास है और स्वागत है आपका ग्रीन लाइन न्यूज गढ़वा में। इस वक्त हम लोग रमना प्रखंड में हैं, उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय बनखेता। इस वक्त हम लोग आए हुए थे और यहाँ के विद्यालय के हेडमास्टर जो हैं नागेंद्र बैठा, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो कुछ छात्रों से सवाल पूछने के लिए मैंने कहा उनसे, और वो राजी भी हो गए। उन्होंने कहा कि बेशक आप हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए, चलिए चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं क्या स्थिति है इस विद्यालय की पढ़ाई लिखाई में। हम लोग क्लासरूम में जा रहे हैं इस वक्त। जो गुड आफ्टरनून, विद्यार्थियों की जो आबादी आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। ये कुछ छात्राएं हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। छात्र और छात्राएं भी हैं। वर्ग पाँचवीं में पढ़ती हो बेटा, कितने में पढ़ती हैं? अच्छा, ये बताइएगा, कुछ सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम बताइए तो। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। रायपुर। सर बता दिए, पूरा याद की हो? सर पढ़ाते हैं अच्छा से? हाँ। मतलब ये जो आप सारे सवालों का आप जवाब दे रही हैं बेधड़क, ये सर कब बताए थे? सुबह में या फिर मतलब प्रार्थना के समय बताते हैं? पढ़ाते समय। अच्छा, ये चीज़ बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 100। अच्छा, और ये बताइए गढ़वा के डीसी का नाम बताइए तो। रमेश भीला। बहुत अच्छा। कितने क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। अच्छा, ये बताइए गढ़वा के डीसी का नाम बताइए तो। रमेश घोलाप। थोड़ा तेज बोलिए, रमेश घोलाप। अच्छा, ये बताइए आपका अनुमंडल कौन सा है? नगर उतारू। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? जगन्नाथ महतो। क्या चीज? जगन्नाथ महतो। थोड़ा तेज बोला करिए। जगन्नाथ महतो। अच्छा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए तो। लखनऊ। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। अच्छा, 5 को अंग्रेजी में, 5 को हिंदी में क्या बोला जाता है? 5। 5 का स्पेलिंग बताइए। FIVE। 5, बहुत अच्छा। एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए तो। ELEPHAT। गलत बोल रहे हैं, फिर से बताइए। ELEPHANT। बहुत अच्छा, पिछली बार आप थोड़ा भटक गए थे। अच्छा, झारखंड के राज्यपाल का नाम बताइए। झारखंड के राज्यपाल के? हाँ, रमेश बैस। बहुत अच्छा। और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हेमंत सोरेन। बहुत अच्छा। अच्छा, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नाम उमेश कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में। अच्छा, ये बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त? श्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा। कितनी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। सर पढ़ाते हैं आपको? अच्छा से पढ़ाते हैं? मतलब सुबह शाम पढ़ाई होती है इस स्कूल में? हाँ, सुबह मतलब शाम में नहीं, मतलब छुट्टी तक पढ़ाई होती है, 3 बजे तक पढ़ाई होती है ना? ऐसा नहीं है कि सर आपको 12 बजे छुट्टी करके घर भेज देते हैं? अच्छा, ये बताइए एक और सवाल, सम संख्या बताइए तो। 2, 4, 6, 8, 10। बहुत अच्छा। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी बताइए तो। देहरादून। बहुत अच्छा। अच्छा, स्कूल से आप लोगों को पैसा मिला है? जी। कितना कितना पैसा मिला है? 1780। अच्छा, आप अपने स्कूल का नाम बताइए तो। क्या नाम है स्कूल का? विद्यालय बनखेता। कौन विद्यालय? उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय बनखेता। प्रखंड?
कहाँ? बहुत अच्छा। इस वक्त मेरे सामने प्राथमिक विद्यालय बनखेता के एचएम हैं, हेडमास्टर साहब हैं नागेंद्र बैठा जी। विद्यालय में आने के बाद जिस तरह से मैंने विद्यालय के छात्र और छात्राओं से सवाल जवाब किया, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह भी कोई सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है, इस तरह से जवाब विद्यार्थी दे पाएंगे। आइए, जो हमारे हेडमास्टर हैं उनसे कुछ बात करेंगे। बताइए सर, क्या आप विद्यार्थियों को आप घोल कर पिला दिए हैं कि इस तरह से जवाब दे रहे हैं विद्यार्थी? एकदम धड़ाधड़ सारे सवालों का जवाब दे दिए आपके विद्यार्थी। कैसे पढ़ाते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं शिक्षा व्यवस्था को, इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को? और मेरा विद्यालय का जो है रूटीन एक बनाया हुआ है, प्रार्थना सभा में प्रत्येक दिन जो है बेसिक की शिक्षा जो है प्रत्येक दिन इस पर जो है 10 मिनट का समय मैं देता हूँ, और 10 मिनट में सारे चीज़ जो बेसिक नॉलेज है बच्चों को मैं देने का प्रयास करता हूँ। इसमें सभी बच्चे तो नहीं, लेकिन 50% बच्चे जो है जानकार हैं, जानते हैं, जो जवाब दिए आपको संतोषजनक, इसके लिए आपको धन्यवाद। आगे क्या मतलब रोल है, आगे क्या बच्चे को इसी तरह शिक्षा देते रहेंगे? मेरा प्रयास रहेगा मैं जब तक रहूँ विद्यालय को अच्छा एजुकेशन, अच्छा शिक्षा मिले, ताकि मेरे बच्चे जहाँ भी जाएँ वहाँ मेरा भी नाम हो, मेरे विद्यालय का नाम हो।